सब्सक्राइब करें आई एम दिवाकर को रेड सब्सक्राइब बटन दबा के और ये बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों फाइनली 2 महीने बाद जाके मुझे पोको X2 मिल चुका है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेड जोन होते हुए भी मुझे डिलीवरी कैसे मिली और पोको X2 की एकदम तेज अनबॉक्सिंग एंड इनिशियल इंप्रेशंस बताऊंगा। तो पोको X2 के बॉक्स में आपको मिल जाता है एक फास्ट चार्जर, टाइप सी केबल, पोको X2 सिम इंजेक्शन टूल एंड एक ट्रांसपेरेंट सिलिकन केस, बाकी मैनुअल्स तो कौन ही पड़ता है। ये रहा पोको X2 अटलांटिस ब्लू और देखने में ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी बैक पूरी ग्लास की बनी है तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी फील होता है, तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि आप केस यूज़ करें वरना ये हाथ से स्लिप हो सकता है। तो सामने आपको डुअल पंच होल कैमराज मिल जाते हैं, राइट साइड आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो कि पावर ऑन ऑफ बटन भी है, साथ ही आपको वॉल्यूम अप डाउन कीज़ मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड आपको सिम ट्रे मिल जाती है, तो टॉप में आपको IR ब्लास्ट स्ट्रेंथ सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, बॉटम में आपको स्पीकर वेंट्स टाइप सी पोर्ट एंड 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, और बैक में आपको क्वाड कैमराज एंड LED फ्लैशलाइट मिल जाती है विद पोको की ब्रांडिंग इन बॉटम। तो जब तक ये फ़ोन सेटअप हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि डिलीवरी होने में इतना टाइम क्यों लगा और रेड जोन में होते हुए भी मुझे फ़ोन कैसे मिल गया। मार्च में मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था लॉकडाउन से 1 वीक पहले आई गेस, तो लॉकडाउन की वजह से ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाया था एंड मैं जम्मू में रहता हूँ जिसको गवर्नमेंट ने रेड जोन डिक्लेयर किया है, तो मतलब ये सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट्स ही डिलीवर यहाँ पे हो सकते हैं। दोस्तों ऑर्डर प्लेस होने के बाद ट्रैकिंग IDs की अपडेट नहीं हुई थी जिसकी वजह से मैं ऑर्डर ट्रैक भी नहीं कर पा रहा था, तो मैंने फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में बहुत कॉल्स किए और वहाँ पे भी सेम रीज़न मुझे मिल रहा था कि लॉकडाउन की वजह से डिलीवरी लेट होगी, पर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मेरे पैकेज की नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारे कॉल्स एंड ईमेल के बाद मुझे उन्होंने डिलीवरी कंपनी का नंबर फॉरवर्ड किया, फिर मैंने डिलीवरी कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से बात की एंड वहाँ भी मुझे सेम रीज़न मिला कि लॉकडाउन की वजह से डिले हो रहा है ऑर्डर, पर मुझे मेरे पैकेज की एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ से भी पता नहीं चली। तो मैंने उनसे बात करके जम्मू में उनके ऑफिस का नंबर ले लिया एंड फिर मैंने वहाँ कॉल किया, तो वहाँ पता चला कि मेरा जो पैकेज है जो कि पोको X2 फ़ोन है मेरा, वो लास्ट वीक ही जम्मू आ गया था लेकिन डिलीवरी नहीं किया गया बिकॉज डिलीवरी बंद थी। तो थोड़ी देर बात करने के बाद डिलीवरी पर्सन ने खुद ही कह दिया कि भाई ऐसे भी तो प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना ही है तो मैं आपको आज ही कर देता हूँ। तो उन्होंने एक मुझे लोकेशन बताई जो कि मेरे घर से करीब 5 किलोमीटर दूर थी, तो वो कहते कि आप वहाँ पर आ जाओ हम आपको वहाँ पर पैकेज पकड़ा देंगे। तो मैंने सोचा कि यार पहले इतना ज़्यादा वेट कर लिया है, एक चांस मिल गया है तो क्यों ना थोड़ी मेहनत की जाए, तो मैं उस लोकेशन में गया और मैंने वहाँ से अपना फ़ोन फाइनली ले लिया, तो इस तरह जाके मुझे मेरा फ़ोन मिल गया है। तो अगर आपको भी सेम इश्यूज फेस करना पड़ रहा है तो आप सीधा डिलीवरी कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। फाइनली फ़ोन सेटअप हो चुका है और पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो है 120Hz रिफ्रेश रेट, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसका डिस्प्ले। मेरे पास OnePlus 7 Pro भी है जिसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट है। अगर स्मूथनेस में देखा जाए तो दोनों फ़ोन एक जैसे ही फील होते हैं, स्क्रॉलिंग में ही आपका टाइम पास हो जाएगा क्योंकि स्क्रॉल करने में बहुत मज़ा आता है इसमें। बाकी आपको पोको X2 में भर भर के प्री लोडेड एप्लीकेशंस मिलेंगी जो कि कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है पोको की तरफ से इसका प्राइस कम रखने के लिए। फ़ोन की डिटेल्स चेक कर लेते हैं, ये 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट है जो कि एंड्रॉयड 10 पे रन करता है, MIUI 11 जो भी उसका न्यू अपडेट आने वाला है जो मैंने अब तक किया नहीं है। तो चलो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी एक बार देख लेते हैं। तो यार मैंने सोचा नहीं था कि इतना फास्ट रेस्पॉन्स इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर का मुझे मिलेगा क्योंकि ये साइड माउंटेड है और इसका सरफेस एरिया काफ़ी स्मॉल है, तो यार इसका स्पीड भी बहुत तेज़ है और एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि स्मॉल एरिया की वजह से मुझे लग रहा था कि एक्यूरेसी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि यहाँ पर मुझे नहीं देखने को मिले अभी तक। फ़ोन के बारे में बात की जाए तो मुझे इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, प्रीमियम लुकिंग फ़ोन लगता है ये। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई फ़ोन की वो थी प्री लोडेड एप्लीकेशंस, आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो बाद में। बाकी इसका जो पंच होल कैमरा है उसकी पोजीशन भी ठीक है, आप उसको हाइड कर सकते हो एक डार्क वॉलपेपर यूज़ करके। तो दोस्तों अगर आपको पोको X2 का डिटेल्ड कैमरा एंड गेमिंग रिव्यू चाहिए तो वीडियो लाइक करना एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और जो भी आप जानना चाहते हैं फ़ोन के बारे में नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।